आप सभी का अभियान 40 IAS में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। जो भी दोस्त देख रहे होंगे, एक बार ले सेशन को आप लोग शेयर जरूर कर दें। ग्रेविटेशन की जब बात उठती है दोस्तों, यानी गुरुत्वाकर्षण की जब बातें होती है, तो इसमें सबसे पहला तीन तथ्य आते हैं निकल कर। कितने तथ्य आते हैं? तीन तथ्य। वो तीन है क्या, इस बात को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है कि जब हम इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं सर? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जो जानते हैं। ये पहला पॉइंट है। जब दूसरा बिंदु आया, तो दूसरा बिंदु जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात आया, यानी आप अंग्रेजी में आप कहोगे सर ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की बात है। और जब तीसरा चर्चा आया सर, तीसरा जब चर्चा आया वो हमारा आया गुरुत्वाकर्षण नियतांक की चर्चा आई, यानी जिसे आप अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ये तीन बातें हमारे पृष्ठभूमि में है। पहला हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हमारा है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और तीसरा हमारा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये तीन बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन में है। सबसे पहली बात है, जब ये तीनों की चर्चाएं होती है तो आपके बीच कुछ संदर्भ इंडिकेट करता है। जैसे जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल जी से करते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल जी से करते हैं। तीनों का सिंबल अलग है। एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जब आगे की ओर हम जब चलते हैं दोस्तों, सबसे पहला चीज कि जब हम चर्चा करेंगे एफ के बारे में, तो एफ की जब चर्चा होगी हमारे पास, तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे अभी। जब इसकी चर्चा होती है दोस्तों, स्मॉल जी की जब चर्चा होती है, तो ये हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप कह सकते हो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, या कोई आदमी इसे 10 भी काउंट कर लेता है। ये चारों जो आप देख रहे हो, ये इसकी वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू है। और ये जो डेटा की जब हम चर्चा किए, तो ये दोनों डेटा आपका SI और MKS में है, ये हमारा CGS में है, और ये हमारा FPS में है। क्लियर है? जब कांस्टेंट की चर्चा हुई तो इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जी बराबर 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये हमारा टॉपिक है। ये बेसिक हमने बताया, और इसके बाद आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब नहीं होगा, पर केजी स्क्वायर होगा। न्यूटन मीटर, एक मिनट, आपका 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा दोस्तों। क्या होगा सर? केजी स्क्वायर, कूलम्ब नहीं होगा, केजी होगा। अब क्या हुआ यहां पर, जब सवाल उठता है सबसे पहला कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, गौर से समझने की जरूरत है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी आप इसे जो है गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जानते हैं। तो सिंपली यदि बात करें तो ये होता क्या है कि जब दो बॉडी रहेगा,
कुछ डिस्टेंस आर पर इस बॉडी का जो मास है m1 है, इस बॉडी का मास m2 है और दोनों के बीच डिस्टेंस r है। तो जब दोनों के बीच फोर्स F लगता है तो F प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा r स्क्वायर। जब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 1 2 को साथ लाते हैं तो हमारा इक्वेशन बनता है F प्रोपोर्शनल m1 m2 by r square। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं जो कांस्टेंट कैपिटल G होता है, जिसे आप लोग अभी चर्चा हुई थी सर, उसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको आप लोगों ने बोला था कि दिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्लियर है दोस्तों? जो भी दोस्तों देख रहे हैं उसको एक बार सेशन को लाइव जो रहता है उसको आप लोग शेयर जरूर क्या कीजिए। यानी आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला नया बन गया। अब क्या हुआ सर कि इसका डिफिनेशन क्या है? तो आप ये कह सकते हैं कि दो बॉडी के बीच लगने वाला बल क्या होता है? समानुपाती, लेकिन जो दूरियां हैं, डिस्टेंस है, वो उसका वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? अब क्या हुआ, यहां से सवाल उठता है सर कि गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होगा? सबसे पहला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स का यूनिट क्या होगा। आप एक बात हमेशा समझ लीजिए कि कोई भी फोर्स की यदि चर्चा होती है तो कोई भी फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होगा। क्या होगा सर? न्यूटन होगा। कोई भी फोर्स की चर्चा हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स की चर्चा जब हम करेंगे उसको आप लोग न्यूटन यूनिट से संबोधन करते हैं। अब जब यहाँ पर जब बात आई तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लोगों ने बोला सर आपने बोला F बराबर जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है? क्वेश्चन देखिए इसमें किस तरीका से आते हैं। बोला क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन को समझिएगा, यदि वस्तु के द्रव्यमानों को दो गुना कर दी जाए तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितनी गुनी होगी। सबसे पहला ऑप्शन है दो गुनी, दूसरा है चार गुनी, तीसरा है आठ गुनी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन थ्योरी लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल थ्योरी नहीं है। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि यदि वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना यानी मास को डबल कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। यहां पर करना क्या है, इस फॉर्मेट में m1 को भी 2m1 कर दो
एम टू को भी 2m2 कर दो और इस डेटा को इसमें पुट कर दीजिए। जब पुट आपने किया तो हमें पाया गया f बराबर g 2m1 इंटू 2m2 बाय r स्क्वायर। तो जब गुणा होगा भाई साहब तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी 4 जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा कितना गुणा आंसर, 4 गुणी आंसर हो जाएगी, कितना हो जाएगी 4। क्लियर है, क्वेश्चन को समझिए, थॉट को समझना है, उसके बाद आगे की ओर बढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन जब अगला आया, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जब क्वेश्चन जब अगला आया तो कहा, गौर से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बोला दोनों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगी। यही आपका सवाल है दोस्तों। ऑप्शन है 2×4×, तीसरा है आधी, चौथा है चौथाई। ये हमारा तो बढ़ाएंगे कैसे इस बात को समझने की जरूरत। क्या बोला, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, यानी r को बोल रहा है r/2 कर लो, यानी आधा कर लो, देखिए हाफ कर लो, हाफ। वी नो दैट, आप जानते हो सर, f बराबर g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये बोल रहा है r के जगह पर r/2 कर दो, कर दीजिए g m1 m2 by r/2 का स्क्वायर, क्योंकि r के जगह पर r/2 बोला है, आधा करने की बात चर्चा हुई है, कर दिया हमने। जब किया आपने तो देखिए क्या होने वाला है, यहां हो जाएगा g m1 m2 by r स्क्वायर by 4 आ गया। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया बताइए, ऊपर आपका ये ऊपर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी 4 गुनी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, 4 गुनी। क्वेश्चन को गौर से समझने की जरूरत है, अगर समझेंगे तो आपको आसानी पूर्वक सवाल बन सकता है। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में था। जब ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे की ओर बढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है सो देखिएगा। आपके पास आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बातें होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जब चर्चाएं हुई तो इसको आप लोगों ने बोला गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जब चर्चा हुई तो इस संदर्भ में बोला गया कि सर इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा डेटा है। अब ये डेटा कांस्टेंट डेटा है, इस डेटा की मदद से आगे की रणनीति को बनाएंगे दोस्तों। तो बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम टॉपिक जिसकी चर्चा करेंगे उसका नाम होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण।
जिसको आप लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की चर्चा होती है तो इसको हम लोग जो डिनोट किया स्मॉल जी से डिनोट किया, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या आप कह सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या आप कह सकते हैं 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये तीनों डेटा आपका सही है। कहीं कहीं जब चर्चा होती है तो जी का मान 10 भी लोग लेता है, क्योंकि 9.8 होता है और उसके लगभग में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों? जो भी साथी देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइव अगर है तो आप उसको कर दीजिए। ये हो गया सर आपका। अब क्या हुआ, यहां से एक नया टॉपिक का जन्म हुआ। क्या है भैया टॉपिक? रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। यानी जब चर्चा हुई, ये कैपिटल जी के बारे में आप जान चुके हैं, स्मॉल जी के बारे में जान चुके हैं। कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इस दोनों में एक रिलेशन है दोस्तों। क्या रिलेशन है हमारा? है स्मॉल जी बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर। यही हमारा रिलेशन है दोस्तों। देख सकते हैं स्मॉल जी बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर रिलेशन है। अब इस रिलेशन में पहलू क्या क्या है, वेयर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एम जो है मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान जब चर्चा होती है 6 × 10⁻²⁴ केजी होता है, 6 × 10⁻²। आर क्या है भैया? रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है। यानी आप कह सकते हैं 6 × 10⁶ मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ की जब चर्चा होती है, ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है सर? पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6 × 10⁶ मीटर है। और आप इतना ही नहीं, स्मॉल जी के बारे में आप जानते हैं, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ना इसको आप लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण की बात होती है दोस्तों। और कैपिटल जी की जब चर्चा, इसका वैल्यू भी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, और कोई कोई आदमी न्यूमेरिकल बनाने के लिए 10 भी लिखता है। क्लियर है? इसकी बात करेंगे तो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना जो डेटा हमने चर्चा किया है, इसको समझने की जरूरत है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक जो मूल बिंदु है, जिस मकसद से आपको पढ़ाया जा रहा है, वो कदापि पूरा नहीं हो सकता है। ये डेटा, ये सिस्टम, ये रिलेशन है दोस्तों। अब इस रिलेशन से कुछ नया कारनामा करने वाले हैं। क्या कारनामा है सो देखिए। कारनामा क्या है? जी बराबर आप अभी जस्ट पढ़ा कि जी एम बाय आर स्क्वायर। अब सवाल यह, बचपन से हमारे माइंड में ये घूमता है सर जी का मान लोग 10 लाता कैसे, ये सवाल है। तो कुछ नहीं है, देखो कैपिटल जी का वैल्यू रखिए तो वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹⁷। यहां एम मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻²⁴ केजी बाय
सिक्स इंटू टेन टू दी पावर सिक्स, दो बार क्यों लिखा गया सर? क्योंकि यहां पर क्या है, आर स्क्वायर है, तो उसको दो बार लिखेंगे तो आपको सुविधा होगी। हमने क्या किया, यहां पर गौर कीजिएगा कि जब ये जब डेटा हमारा आया, इस डेटा को मिटा दिए, क्योंकि कैलकुलेशन क्या कर दी, आसान कर दी, ये डेटा आपका खत्म हो गया। देखो सिक्स से सिक्स कट गया, 6.6 सेवन था, उसको सिक्स मान लिए, ये सिक्स से ये सिक्स कट गया। अब देखो 24 में से 11 चला गया, बेस सेम है, क्या हो गया 10 टू दी पावर कितना 13, नीचे बताओ 6 कितना हो गया 10 टू दी पावर 12, हमारा हो गया 10 टू दी पावर 13 माइनस क्या 12, हमारा आ गया 10 टू दी पावर 1 और आपका 10। यही देखो 10 LRHS में है और LHS में है, इसका मतलब ये जो फॉर्मेट है स्मॉल g बराबर GM by R square, ये रिलेशन क्या है, करेक्ट। इस तरह से कोई भी चीजों को समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।